हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ गौरव शर्मा, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेटल कार्मेल को। अक्सर इस टॉपिक से आपके सीएसईआर, नेट, गेट और आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन मेटल है और वो बाइंड है सीओ लाइगेंड के साथ, तब ऐसे कॉम्प्लेक्स को मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन मेटल है और वो बाइंड है सीओ लाइगेंड के साथ, तब ऐसे पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। इसको मेटल कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। जो आपका सीओ लाइगेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। सीओ लाइगेंड को कार्बोनिल बोलते हैं। जब ये मेटल से अटैच हो जाएगा तब इसको बोलेंगे मेटल कार्बोनिल, ठीक है। जो आपके मेटल कार्बोनिल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोलेप्टिक और एक होता है हमारे पास हेटरोलेप्टिक। दो तरह के हमारे पास मेटल कार्बोनिल होते हैं, होमोलेप्टिक एंड हीटोलेप्टिक। देखिए, जो आपके होमोलेप्टिक होते हैं वो क्या होता है, उसके अंदर कि जो मेटल होती है उसके साथ जो लाइगेंड लगे होते हैं वो सभी कार्बोनिल होते हैं, ठीक है। जब होमोलेप्टिक मेटल क्लस्टर की बात करेंगे, मेटल कार्बोनिल की बात करेंगे, तब उसके अंदर जो आपके लाइगेंड होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ कार्बोनिल ही होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें हीटोलेप्टिक की, तो जो आपकी मेटल होगी उसके साथ कार्बोनिल तो होगा ही होगा, साथ में कोई और लाइगेंड भी आके लग जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। इसमें देखिए सभी लाइगेंड कैसे हैं, कार्बोनिल है, सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक। और यहाँ पे देखें अगर हम, तो आपके कार्बोनिल लाइगेंड के साथ एक फॉस्फीन भी लग गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये हेटरोलेप्टिक कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप की। जबकि मेटल कार्बोनिल होते हैं, जबकि मेटल कार्बोनिल होते हैं वो हो सकते हैं मोनोन्यूक्लियर टाइप के हों, मोनोन्यूक्लियर टाइप के भी वो हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर टाइप के। दो तरह के आपके पास मेटल कार्बोनिल हो सकते हैं, हो सकता है मोनोन्यूक्लियर हो या फिर पॉलीन्यूक्लियर टाइप हो। मोनोन्यूक्लियर टाइप क्या होते हैं, अगर आपके मेटल कार्बोनिल में केवल एक ही मेटल है तब उसको बोलते हैं कि मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मेटल कार्बोनिल के अंदर एक से ज़्यादा मेटल्स आ जाती हैं तब उसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर टाइप, ठीक है। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं Fe CO5, दिस इज Fe CO5। इसके अंदर देखिए एक ही मेटल है, इसके अंदर कैसे मेटल है, एक ही मेटल है। और बात कर लेते हैं Mn2 CO10, तो यहाँ पर दो मेटल हैं। जब एक से ज़्यादा मेटल आ जाएंगी तब उसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, और अगर एक ही मेटल है तब उसको बोलते हैं क्या, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। यहाँ पे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, MnCO5 भी ले सकते हैं, MnCO5 के ऊपर एक नेगेटिव, या फिर कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं CrCO6। ये भी किसका एग्जाम्पल है, होमो न्यूक्लियर का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल है हमारे होमो न्यूक्लियर के एंड हीटरो न्यूक्लियर के। अब बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे सिंथेसाइज करते हैं, जो आपका मेटल कार्बोनिल होता है इसको हम सिंथेसाइज कैसे करते हैं। तो देखिए, इसे सिंथेसाइज करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है हमारा बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद मेटल। इस मेथड में क्या करते हैं, हम मेटल लेते हैं और साथ में उसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल के साथ, डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं और हमारा मेटल कार्बोनिल बन के आ जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल के साथ, जिससे हमारा मेटल कार्बोनिल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम निकल ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल से, यहाँ पर होता है 1 bar एंड 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और बन जाता है हमारा NiCO4 बन जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल कार्बोनिल को बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके लेते हैं, Fe ले लेंगे, यहाँ पे CO ले लेंगे और हमारा बन जाता है Fe CO5। तो ये हमारा एक मेथड है डायरेक्ट, इस डायरेक्ट मेथड से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो उसमें क्या करेंगे, हम मेटल के सॉल्ट ले लेंगे,
मेटल सोल्ट लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल के साथ, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल के साथ। फॉर एग्जांपल इन रिड्यूसिंग कंडीशन, इसको हम रिड्यूसिंग कंडीशन में करेंगे। देखिए जो पहला मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट सिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूसिंग मेथड से बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, सपोज आपके पास ये है मेटल सोल्ट है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और साथ में ले लेते हैं हम कार्बोनिल, कार्बोनिल 6 ले लेते हैं, और हमारा जो बनता है प्रोडक्ट वो बन जाता है कोबोल्ट हेक्सा कार्बोनिल, और यहाँ से AlCl3 यहाँ से बाहर चला जाता है, ठीक है, यहाँ से AlCl3 बाहर चला जाता है। तो एक रिड्यूसिंग मेथड है जिससे हम मेटल कार्बोनिल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, मेटल का सोल्ट लेते हैं, साथ में एक रिड्यूसिंग मेटल लेते हैं और साथ में कार्बोनिल लेते हैं, जिससे हमारा मेटल कार्बोनिल बन जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बॉन्डिंग की, कि जो आपकी बॉन्डिंग होगी मेटल और कार्बन के बीच में वो कैसी होगी, बात कर लेते हैं बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, इसमें कैसी बॉन्डिंग होती है। तो देखिए ये आपका मेटल है और ये आपका कार्बोनिल है, ठीक है, ये आपका कार्बोनिल है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो इसके पास ये लोन पेयर होता है कार्बोनिल के पास, ये डोनेट करता है मेटल को, किस साइड डोनेट करता है, मेटल की साइड डोनेट करता है, जिससे यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, इससे क्या होता है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा। अब क्या होता है कि जो आपकी मेटल होती है उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, साथ में सीओ ने भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी है, इससे क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेटल क्या करता है, अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनसे रिपल्सन हो रही है उसको वापस भेज देता है कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसका मतलब यह है इस कार्बन के पास पाई ऑर्बिटल होगा, अगर पाई ऑर्बिटल है तो पाई स्टार ऑर्बिटल भी इसके पास जरूर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल होती है वो क्या करती है, कार्बन के पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर देती है। मेटल क्या करती है, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो मेटल वापस कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल में उस डेंसिटी को वापस भेज देती है, जिससे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है इस तरह से, ठीक है। ये जो पहला बॉन्ड था ये सिग्मा बॉन्ड था और दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तब बना जब लाइगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और पाई बॉन्ड तब बना जब मेटल ने बैक इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैक कर रहा है, बैक डोनेट कर रहा है किसके, इसमें कार्बन के पाई स्टार में, इसलिए इसको पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं, इसको पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आपका कार्बोनिल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है मेटल की साइड, लेकिन बाद में जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो रिपल्सन बढ़ने लगती है, जिससे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन के एंटी पाई स्टार ऑर्बिटल में डाल देता है, जिससे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डोनेट हो रही है बैक साइड इन द कार्बन पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पाई बैक बॉन्डिंग हुई है उससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वे कौन से फैक्टर हैं फैक्टर अफेक्टिंग पाई बैक बॉन्डिंग। देखिए
वे कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग के लिए या फिर कम पाई बैक बॉन्डिंग के लिए, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपकी पाई बैक बॉन्डिंग होती है, पहला फैक्टर क्या है, पाई बैक बॉन्डिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल। जितना मेटल के ऊपर कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं MnCO6 CrCO6, हेयर इज पॉजिटिव चार्ज। और एक और ले लेते हैं, एक और क्या लेते हैं, वेनेडियम ये ले लेते हैं। ठीक है, हमने तीन एग्जांपल ले लिए हैं, इसमें हमें देखना है कि किस केस में सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होने वाली है। तो देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूँ तो इसके 7 और 12 19 19 में एक्स गया तो 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सभी में इलेक्ट्रॉन तो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब किस में पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होने वाली है, पाई बैक बॉन्डिंग उस केस में ज़्यादा होगी जिसमें मेटल के ऊपर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस मेटल के ऊपर +1 चार्ज है, इनको ऐसे लिख लेते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसके पास रिपल्सन भी ज़्यादा होगी। अगर इसके पास रिपल्सन ज़्यादा होगी तो ये इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पाई बैक बॉन्डिंग में भेजेगा। इसकी बात करें, Mn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इजीली बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इसलिए ये सबसे कम पाई बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो इस केस में सबसे ज़्यादा कौन करेगा पाई बैक बॉन्डिंग, ये, और सबसे कम कौन करेगा ये। आई होप आपको इस अच्छे समझ में आया होगा कि जो पाई बैक बॉन्डिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के ऊपर होती है उतनी ही ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सेकंड बात ये है कि जो आपका लाइगेंड है उस पर भी ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लाइगेंड। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास ये है FeCO4 Pr3। ठीक है, और एक और है हमारे पास FeCO4 Pf3। देखिए, ये दोनों ही मेटल कार्बोनिल हैं लेकिन इनके पास कोई और लाइगेंड भी लगे हुए हैं। जितनी ज़्यादा किसी लाइगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करने की पावर होती है, उतनी ही ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इन केस में देखिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू एल्काइल ग्रुप, तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपके लाइगेंड होंगे ये क्या करेंगे, देखिए इसको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए इसको ऐसे है Fe PF3 और ऐसे है Pr3 Fe, और यहाँ पे आपके क्या लगे हुए हैं, CO3 लगा हुआ है। ठीक है, देखिए इस केस में क्या है, जो आपका फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इस आयरन के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड क्या करेगा, पुल करेगा, जिससे इस आयरन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पाई बैक बॉन्डिंग में नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पाई बैक बॉन्डिंग में यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर आपके पास लाइगेंड लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल को जल्दी से प्रोवाइड कराएगा। अगर वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा मेटल को तो मेटल क्या करेगी, जल्दी से पाई बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अगर CO के अलावा और जो लाइगेंड लगे हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे, वो पाई बैक बॉन्डिंग होने से रोकेंगे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो क्या करेंगे, इजिली पाई बैक बॉन्डिंग होने में हेल्प करेंगे मेटल की। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे तो जल्दी से नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी तब इजिली क्या होगी, पाई बैक बॉन्डिंग
हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो आपकी पाई बैक बॉन्डिंग है, जो आपकी पाई बैक बॉन्डिंग है वो कैसे अफेक्ट करती है बॉन्ड ऑर्डर को, बॉन्ड ऑर्डर को कैसे अफेक्ट करती है और बॉन्ड लेंथ को कैसे वो अफेक्ट करती है। इन दो चीज़ों को हम देखेंगे कि जो आपकी पाई बैक बॉन्डिंग है वो कैसे अफेक्ट करेगी बॉन्ड ऑर्डर को और बॉन्ड लेंथ को। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक मेटल कार्बोनिल बनाया, ऐसे मैंने क्या बनाया, एक मेटल कार्बोनिल बनाया है, ठीक है। पाई बैक बॉन्डिंग होना है, तो देखिए पाई बैक बॉन्डिंग में क्या होगा कि जो आपका मेटल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कहाँ पे, पाई स्टार में, किसके, कार्बन के, इसमें, ठीक है। कार्बन के यहाँ पे क्या करेगा वो, जब आपका मेटल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कहाँ पे, कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो इससे क्या होगा, देखिए आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू, आपका एक फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे जो आपकी आयरन है, जो सॉरी मेटल है, वो क्या कर रही है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पाई स्टार में, पाई स्टार कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब यह है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ती है, एंटी बॉन्डिंग में वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए जब मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मेटल के और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपको इस चीज़ समझ में आया होगा, देखिए जब भी पाई बैक बॉन्डिंग होती है तब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमेशा ही डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर से इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने मेटल लिखा कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो देखिए जैसे जैसे पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता है कि जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो रिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होती है, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, बॉन्ड लेंथ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बोन लेंथ इंक्रीज हो रही है, बोन लेंथ इंक्रीज, यहाँ पे बोन लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा कि जब भी पाई बैक बॉन्डिंग होगी मेटल और कार्बन के बीच में बोन ऑर्डर हमेशा बढ़ जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बोन ऑर्डर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे मेटल और कार्बन के बीच में जो बोन लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बोन लेंथ है वो हमेशा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो आपका पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है उससे, जो आपकी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ सीओ। जब पाई बैक बॉन्डिंग आपके मेटल कार्बोनिल में हो रही है तब जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है कार्बोनिल की, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए देखिए, देखिए जैसे ही पाई बैक बॉन्डिंग होती है, जैसे ही पाई बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग होगी ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज, ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होती रहेगी उतना ही कम ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, के अपॉन म्यू,
तो ये क्या होता है आपका फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, ये आपको क्या होता है फोर्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्स कांस्टेंट के, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको हम क्या बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए इस फॉर्मूले से हमने देखा कि जो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे, वो किस पे डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है। लेकिन अगर इस केस में बात करें, अगर यहाँ पे पाईबैक बॉन्डिंग होती है तो मेटल और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, लेकिन कार्बोनिल के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा हमारा फोर्स कांस्टेंट या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिससे क्या होगा हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ विल बी डिक्रीज। ठीक है, जितनी ज़्यादा पाईबैक बॉन्डिंग होगी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी हमारी क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, जैसे पाईबैक बॉन्डिंग होगी ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से वो एग्जांपल ले लेते हैं MnCO6 वन पॉजिटिव CrCO6 दिस इज न्यूट्रल एंड विडेनियम हेक्साकार्बोनिल इसके ऊपर क्या है एक नेगेटिव चार्ज मैंने ले लिया है। अभी हमने इसको सोल्व आउट किया था कि सबसे ज़्यादा पाईबैक बॉन्डिंग किसमें होती है, पाईबैक बॉन्डिंग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पाईबैक बॉन्डिंग थी, इसमें सबसे कम थी। ठीक है, अब पाईबैक बॉन्डिंग हमें पता है जितनी ज़्यादा पाईबैक बॉन्डिंग होती है उतनी ही कम क्या होती है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हो जाती है। कैसे, जितनी ज़्यादा पाईबैक बॉन्डिंग होगी उतनी ही कम बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उतनी कम क्या हो जाएगी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। इस रिलेशन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जितनी ज़्यादा पाईबैक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ये CO के लिए है, ये किसके लिए है CO के लिए है, जितनी ज़्यादा पाईबैक बॉन्डिंग होगी उतना ही कम क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और उतना ही कम क्या हो जाएगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतनी पाईबैक बॉन्डिंग, जितनी पाईबैक बॉन्डिंग उतनी ही CO के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर सबसे कम क्या है, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस केस में सबसे ज़्यादा पाईबैक बॉन्डिंग होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा पाईबैक बॉन्डिंग होगी उसके लिए सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, अगर हम ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करें कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, तो सबसे ज़्यादा किसमें आएगा इसमें और फिर इसमें, क्योंकि इसमें सबसे कम पाईबैक बॉन्डिंग हो रही है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी और इसमें सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आने वाली है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे जब भी पाईबैक बॉन्डिंग होगी तब हमारा क्या होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा ही कम हो जाएगी कार्बोनिल के बीच में, साथ में बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज हो जाएगा लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, जब भी पाईबैक बॉन्डिंग होगी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा मेटल और कार्बन के बीच में जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमेशा ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सब था हमारा मेटल कार्बोनिल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।